हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, ये आज संडे का दिन है, सुबह सुबह का टाइम है और सुबह के सब काम तो हो चुके हैं, बस मेरा नहाना धोना भी हो गया है। और सुबह मैंने इस कमरे में आके देखा तो मेरा तो जो है दिमाग ही चकरा गया, कि ये ना शाम को इसमें जो है बिटिया रानी ने जो है मेरी फ्रिज बंद कर दिया था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ बन गई थी, पूरी फ्रिज भरा हुआ था। तो इसकी वजह से कोई भी बर्फ़ मतलब जमाना चाहो तो वो नहीं बनती, तो इसलिए उसने बंद कर दिया। और शाम को मतलब सुबह मैंने देखा आके, मतलब नहा धो करके मैंने देखा आके कमरे में, तो ऐसी हालत हो गई पूरे कमरे की, पूरे कमरे मतलब पानी पानी भरा हुआ था। और जैसे तैसे तो मैंने इसकी जो है बर्फ़ निकाली, उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि इसमें बर्फ़ जो है निकल गई तो पूरे फ्रिज को जो है मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो इसलिए मैंने पूरे फ्रिज की मैंने सोचा चलिए अभी इसकी सफाई भी कर देती हूँ। बिल्कुल देखिए, अभी लग रहा है गंदा गंदा, और कई दिन हो गए इसकी अच्छे से साफ सफाई नहीं हुई है। मैं बस ये सोच रही थी कि इसकी बर्फ़ निकल जाए, फिर उसको मतलब अच्छे से बाद में इसकी सफाई करूँगी। तो आज देखिए फाइनली मेरी जो है मतलब सफाई हो गई मेरे फ्रिज की। तो बहुत दिन से सोच रही थी बर्फ़ निकल जाए, उसके बाद अच्छे से इसको जो है साफ करूँ, तो आज जो है फाइनली हो गया ये मेरा काम। तो यहाँ पर है ना पूरे फ्रिज की मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दी है, मतलब ये पूरे ड्राज ये तो मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, जो अंदर का ये था ये नहीं हो पाता था, तो फिर मैंने आज पूरी मतलब अच्छे से साफ सफाई करके, और उसके बाद बाहर भी यहाँ पर जो मतलब ये दरवाज़ा है इसको भी बढ़िया से साफ कर दूँगी। और देखिए अभी मैं जो है नाइटी पहने हुई, क्योंकि है ना मुझे पता नहीं था कि मतलब मैं भूल गई थी कि रात को इसने जो है फ्रिज बंद कर दिया, सुबह मतलब साफ़ करना है। बस ऐसे ही जो है नहा करके आ गई, तो ऐसे ही नाइटी वगैरह पहनी थी, दुपट्टा मैंने सिर में ऐसे ही लपेट लिया, पानी टपक रहा था। तो मैंने अब सोचा कि पहले तो जो है मतलब साफ़ सफाई कर देती पूरे कमरे की, उसके बाद में फिर जो है मैं साड़ी वाड़ी जो भी पहनना है वो बाद में पहनूंगी। तो इसलिए मैंने पूरे कमरे की सफाई कर दी, और टेबल को भी लगे हाथ मैंने सोचा कि जो टेबल को साफ़ कर दी, तो मेरी बिटिया रानी ने टेबल साफ़ कर दी, साबुन से बिल्कुल देखी चमका दी, और ये भी जो है साफ़ हो गई। और पूरा कपड़ा अभी बचा हुआ है, तो बस यहाँ पर मैं पोछा लगा देती हूँ। देखिए फ्रिज मेरा साफ़ हो गया बिल्कुल। तो मैं सोच रही थोड़ी सी बर्फ़ और बची हुई है, वो अगर निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं निकले तो फिर तो ऐसे ही जो है चालू कर दूँगी। तो इसलिए फिर मैंने ना ऐसे ही जो है चालू कर दिया था, क्योंकि उसके बर्फ़ निकली नहीं और बहुत टाइम लग रहा था, तो फिर सोचा ऐसे ही जो है साफ कर दे मतलब चालू कर देती हूँ, वो सामान जो भी है रख देती, नहीं तो टमाटर वगैरह ये जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो फिर ऐसे ही मैंने जो है चालू कर दिया था, और उसके बाद में फिर मैंने साड़ी वाड़ी पहन ली, सिर धोया था तो सिर को भी जो है दुपट्टे से पोंछ लिया। और यहाँ पर नाश्ता आ गया था, तो सोच रहे थे कि नाश्ता बनाऊँ, तो पतिदेव ने कहा कि जो रहने दो, टाइम बहुत हो गया, तो सब लोग नहा चुके थे तो नाश्ते का टाइम हो गया, तो बोले बाहर से मंगवा लेते, तो इसलिए है ना इन्होंने जो है बाहर से नाश्ता मंगवा लिया, पोहा जलेबी और समोसे। मैं समोसे खाती हूँ, मुझे पोहा नहीं अच्छे लगते, इसलिए मेरे लिए समोसे आए थे। छाछ भी आई थी यहाँ पर, तो छाछ किस लिए आई मैं आपको बताऊंगी। ये छाछ मतलब जो इसमें बर्फ़ निकली थी, तो बच्चे बोल रहे थे कि लस्सी बनाऊंगी, इसलिए छाछ लाए, और इसीलिए अभी मैंगो जूस भी बन गया है, क्योंकि है ना बर्फ़ के लिए बहुत दिन से तरस रहे थे कि बर्फ़ नहीं मिल रही है। तो आज देखिए पूरी बर्फ़ की जो है सिल्ली निकल आई, तो बच्चों ने बहुत ही इंजॉय किया। बहुत देर से ना बच्चे बाहर लगे हुए हैं, मतलब बर्फ़ में कहीं तोड़ा तोड़ी कर रहे, सब बच्चे लगे हुए थे इसी में, तो कुछ तो बर्फ़ जो है तोड़ के उसमें मतलब कि बाल्टी में डाल दी, कहीं कुछ कर दिया, और मैंने मैंगो जूस भी बना दिया। तो छाछ लाए, लेकिन देखते हैं बच्चे अगर अभी घर पे रहेंगे तो फिर बना देंगे, नहीं रहेंगे तो फिर जो अभी इसी से जो ये मैंगो जूस बना लिया, इसी से जो हम लोग नाश्ता करके कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर देखते हैं दोपहर के टाइम क्या होता है क्या नहीं। दिन में अगर अभी तो सिर्फ नाश्ता किया है, दोपहर में कुछ खाने के लिए बनाएंगे दोबारा, तो सुबह सुबह नाश्ता हो जाता फिर तो बस ये लगता है कि दोपहर में बनाओ। फिर संडे के दिन तो ऐसा ही चलता है सारे दिन, कहीं कुछ खाते हैं कहीं कुछ बनाना, बस ऐसा ही चलता रहता है पूरे दिन। तो मेरा ये देखिए संडे का नाश्ता, और हमारे इंदौर का फेमस नाश्ता है ये दोस्तों, पोहा जलेबी। तो ये सब हम लोगों ने नाश्ता किया, उसके बाद में मतलब दोपहर में सारा काम करके थोड़ी देर आराम किया, फिर हम शाम को गए सब्जी लेने के लिए, सब्जी लाए, और उसके बाद में फिर जो है मैं
सोची कि पहले तो सब्जी वगैरह रख देती हूँ, और उससे पहले तो मैंने ठंडा ठंडा पानी पिया। बहुत देर से पानी के लिए मैं परेशान हो रही, मतलब बाहर पानी मिल तो जाता लेकिन इतना ठंडा पानी नहीं मिलता जो कि अच्छे से पेट भर जाए। तो घर आके मैंने पेट भर के पानी पिया सबसे पहले तो, और उसके बाद में फिर निकालती हूँ सब्जियाँ। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है सब्जी निकाल ली, ये देखिए। मैं सोची कि चलिए अभी निकाल के रख देती हूँ। टमाटर वगैरह है सुबह अगर रखेंगे ना तो ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए शाम को लाती हूँ। तो शाम को ही जो है पन्नियों में भर के फ्रिज में रख देती हूँ ताकि मेरी सब्जियाँ दिनों तक चल सकें। और पास में कहीं मंडी है नहीं जो कि मैं बार बार जाके सब्जी ले आऊँ। पति देव रहते हैं ना घर पे, संडे को ही तभी जो है सब्जी आती है, सैटरडे को आए या फिर संडे के दिन सब्जी आए, तो ऐसे ही हमारी जो सब्जी आती है। और हमें एक हफ्ते तक इन सब्जियों को 1 हफ्ते तक जो है चलानी पड़ती है। अब चाहे कैसे भी चलाओ, अच्छे से चलाओ या फिर जल्दी ख़राब कर दो, तो ये तो हमारे ऊपर रहती है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा मतलब सब्जियों में टाइम नहीं लगाती, जैसे ही आती वैसे ही मैं भर के रख देती हूँ ताकि मेरी सब्जियाँ ज़्यादा दिन तक चल सके इसीलिए। तो चलिए फिलहाल में हम दोनों लोग जहाँ यहाँ पर काम कर रहे, बच्चे थे नहीं घर पे, वो जो है अपने चाचा के घर थे, तो वहाँ पर जो बच्चे खाना खा के आएंगे, तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पर खाना नहीं बनाया था, थोड़ा वो रखा था वही खा लिया था। उसके बाद में यहाँ पर बना रहे पति देव नींबू पानी, और उनका खाने का मन था कि तरबूज खाएंगे, और तो तरबूज मैंने आते ही पानी में डाल दिया, उनका खाएंगे तब तक तो जो ठंडा हो जाए। पर उनका जो है मन चेंज हो गया कि अभी जो है मुझे नींबू पानी पीना है, तो फिर उन्होंने बनाया नींबू पानी। और यहाँ पर हम दोनों जो है पहले नींबू पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा रख देंगे बच्चों के लिए। तो आज का मेरा मतलब संडे वाला दिन कुछ इस तरीके से बीता। मेरा जो है बहुत ही काम पड़ गया आज के दिन भी, छुट्टी वाले दिन भी आज मुझे बिल्कुल भी आराम करने के लिए नहीं मिला। तो पहले मैं थोड़ा बहुत आराम किया, उसके बाद में हम लोग जो है गए बाज़ार, मतलब जो मुझे चीज़ लेनी थी वो मैं चीज़ लेने के लिए गए थे, तो इसलिए मुझे मतलब वहाँ पर भी टाइम लग गया था। उसके बाद हम घर आए, फिर जो है सब्जी मंडी गए, सब्जी लेके आए। तो इस तरीके से मेरा संडे वाला दिन इस तरीके से निकला। सारा दिन हो गया इधर उधर भागते घर का सारा काम करके। तो चलिए दोस्तों, आज आज की वीडियो के यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे प्यारे दोस्तों। संडे वाला दिन कुछ इस तरीके से मेरा जो है बीता है दोस्तों। तो आप सभी के साथ मैंने थोड़ा थोड़ा शेयर कर दिया, पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। राधे राधे, फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में।